हाय एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल राहुल टेक्निक इंडिया पे आपको फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक मेरा यही है कि आप ADP कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप उस ID और पासवर्ड को कैसे लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि ADP कंपनी जो है कुछ अपडेट के कारण चेंजिंग लाई है, इसी कारण से आप लोगों को कुछ लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे आसानी तरीका से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो पर आप बने रहें, वीडियो को स्किप वगैरह नहीं करें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं हमें अपना मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ADP ID को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल का एक ब्राउजर ले लेना है, चाहे तो जो भी यूज करते हैं उस ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे में हम गूगल को यूज करते हैं, गूगल पे ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ADP यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अपना जो भी है टाइप यहाँ पर कर लें। हम पहले से ही टाइप करके रखे हैं, इसलिए मेरा जो है सेव हो चुका है, तो हमको टाइप करने की जरूरत नहीं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ADP आ गया है, पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है अपडेट के कारण चेंजिंग कर दिया गया है, इसलिए आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो पहले का वीडियो जो है बहुत सारे लोग बना चुके हैं जो कुछ अलग तरीका का है, इसमें जो हम बताए हैं जो कुछ अलग तरीका का है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं वो भी इजी तरीका से। तो लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एकदम इजी तरीका से बता रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़र ID और इंटर पासवर्ड का ऑप्शन दे दिया है, बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना हिसाब से जो भी आपका ID है इस पर क्लिक कर देना है, और इंटर पासवर्ड है यहाँ पे, आप जो भी आपका पासवर्ड है वो आप अपने यहाँ पे जनरेट कर दें। चलिए हम जल्दी जल्दी जनरेट कर देते हैं और लॉगिन करके आपको बताते हैं कि जो मेरा ID है जो लॉगिन होता है कि नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ID पासवर्ड को हम इनपुट कर दिए हैं। इनपुट करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि क्लिक करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है, हम कुछ गलत ही पासवर्ड डाल दिए होंगे, दोबारा हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से जो है पासवर्ड को इसमें इनपुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है जो कुछ इस तरह से आपको खुल करके पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे से यूजर ID और पासवर्ड को इनपुट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ डिटेल्स में दिखाया गया है, आपको दिखा देना चाहते हैं, इसके बारे में हम अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो भी शिकायत हो और क्वेश्चन हो वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।